नमस्कार कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, मैं सुरेश गौर ट्रिपल एसएनजी टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि की 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। ये 15 से लेकर 22 अप्रैल तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें इसे देख सकते हैं। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि कैप्रिकॉन आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, फिर आपकी फीलिंग्स देखेंगे, फिर देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं, आप उनसे क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो कैप्रिकॉन आते हैं, सबसे पहले देखते हैं जो आपके पर्सन हैं उनकी फीलिंग्स क्या हैं। राइट, तो हमारे पास कार्ड आया स्ट्रेंथ। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन हैं वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते में करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ना चाहिए, बिना किसी डर के, बिना किसी घबराहट के, अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए अगर वो आगे बढ़ेंगे तो ये रिश्ता फिर से रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, फिर से इस ये रिश्ता ठीक हो सकता है। जो इस रिश्ते में रुकावट, बाधाएं, दिक्कतें आ गई थी कैप्रिकॉन की वजह से, तो वो इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाने के बारे में सोच रहे हैं। उनको महसूस हो रहा है कि चाहे कुछ भी रहा है तो अगर वो इसमें अपना एफर्ट डालेंगे, बिना डरे हुए, बिना घबराए हुए आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। इसको क्लैरिफाई करने के लिए या फिर ऐसा कैप्रिकॉन भी अपने पर्सन के लिए महसूस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं, होते हैं। तो इसमें कार्ड्स आए हमारे 3 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन हैं वो फील कर रहे हैं कि इस रिश्ते में अगर वो जो रिश्ता ख़त्म हो चुका था, जो 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 रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा था, तो अगर वो इस रिश्ते को इसमें स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, हीलिंग मेडिटेशन करेंगे, और या फिर किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की मदद लेते हुए इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, धीरे धीरे एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो भले ही इस रिश्ते में समय लगे, वक्त लगे, और सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतजार करना पड़े, लेकिन ये रिश्ता फिर से स्टेबल हो सकता है। तो ऐसा वो फील कर रहे हैं, उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें इस रिश्ते में करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ना चाहिए और इस रिश्ते को फिर से गोल्डन स्टार बनाना चाहिए, क्योंकि अगर वो इस रिश्ते को हील करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, तो जो है ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग बनेगा, मजबूत बनेगा, फ्यूचर में कोई परेशानी, दिक्कत नहीं रहेगी। और जब तक वो हिम्मत नहीं करेंगे, साहस नहीं करेंगे, जब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए उनको महसूस हो रहा है कि वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे और इस रिश्ते को फ्रूटफुल होने का, सही समय आने का वेट और इंतजार करेंगे। ऐसा कैप्रिकॉन आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं या फिर आप भी ऐसा सोच सकते हैं, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। आप देख लेते हैं आप क्या महसूस कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं। द वर्ल्ड, 10 ऑफ वंड्स, द हर्मिट, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो द वर्ल्ड कार्ड आया, तो आप चाह रहे हैं कि आपको महसूस हो रहा है कि उनके पर्सन को चाहिए कि वो इस रिश्ते को अदर में लटका कर ना रखें। मतलब आप फील कर रहे हैं कि इस रिश्ते को उन्हें अदर में लटका कर नहीं रखना चाहिए। अगर या तो इस रिश्ते को में डाइवोर्स वगैरह अगर ज़रूरत है तो डाइवोर्स लेना चाहिए, या फिर नए सिरे से नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करना चाहिए, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए, ताकि जो भी गिले सिकवे, जो भी परेशानी, दुविधा इस रिश्ते में ख़त्म हुई, इस रिश्ते में रही है, वो ख़त्म हो और फिर से ये रिश्ता आगे बढ़े। तो इसका अगर हम क्लैरिफाई करते हैं तो 10 ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैप्रिकॉन आप महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में जो भी दुख तकलीफ मिला है, और चाहे वो आपके पर्सन ने दिया है या फिर कैप्रिकॉन ने दिया है, कुछ भी रहा है, लेकिन उन चीज़ों को लेट गो करते हुए, उन परेशानियों को, उन बाधाओं को, उन दिक्कतों को अगर लेट गो करेंगे और नए सिरे से इस रिश्ते को हील करेंगे, इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए कि रिश्ता उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है,
तो हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो अंदर से एक ज्योति प्रज्वलित होगी और जो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने में उनकी मदद करेगी। तो वो कैप्रिकॉन, आपको फील हो रहा है कि उन चीज़ों को लेट गो करते हुए जो इस रिश्ते में दिक्कतें दे रही हैं, बाधाएं दे रही हैं, आप एक नए सिरे से इस रिश्ते को हील करते हुए, इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए आगे बढ़ेंगे, एक बिगनिंग की शुरुआत करेंगे, ताकि धीरे धीरे करके इस रिश्ते में जो रिश्ता उनके लिए बोझ बन चुका था, परेशानियां बन गई थी, वो इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे, तो वही चीज़ें अगर वो हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे और इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझेंगे, नए सिरे से इस रिश्ते को शुरू करेंगे, तो धीरे धीरे करके जो रिश्ता बर्डन और बोझ बन गया था उसमें अबंडेंस आ सकता है, खुशहाली आ सकती है, वो रिश्ता एक नया मोड़, एक नया अंजाम ले सकता है। तो ऐसा आपको फील हो रहा है, ऐसा आप महसूस कर रहे हैं। देखते हैं आप के जो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन हैं वो आपसे क्या चाहते हैं, कैप्रिकॉन के पर्सन कैप्रिकॉन से क्या चाहते हैं। इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं, जैसा आप सोच रहे हैं हो सकता है कि ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हो, वो भी ऐसा महसूस कर रहे हैं। तो इसमें देख लेते हैं टेम्परेंस। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन हैं वो आपसे चाहते हैं कि इस रिश्ते में बैलेंस हो, जो इक्वल की वो चाहते हैं कि आप अपने गुस्से को, एंगर को, उन चीज़ों को थूक दें और यानी कि ख़त्म कर दें और पेशेंटली इस रिश्ते को हैंडल करें, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस में ना रहें, और जो भी आपकी इमोशनल, जो भी आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है उन्हें आप अपने तक सीमित रखें और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी बैलेंस बनाकर चले, ना तो वो आपसे बहुत ज़्यादा बातें करें, ना ही बहुत ज़्यादा दूरियां बना कर रखें, क्योंकि दोनों सिचुएशन में ही परेशानी होती है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में बैलेंस बने, स्टेबिलिटी आए, जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पा रही थी तो वो बने। इसको अगर हम क्लैरिफाई करते हैं तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन हैं वो आपसे चाहते हैं कि इस रिश्ते में क्लियर कट कम, वो आपके साथ क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं, वो चाहते हैं कि इसके लिए चाहे मूवआउट बनना पड़े, चाहे एक दूसरे के अगेंस्ट जाना पड़े, लेकिन क्लैरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर एक दूसरे से बातें होंगी, तो अगर रिश्ता आगे बढ़ता है तो फ्यूचर ब्राइट होगा, सक्सेसफुल और कामयाब होगा। और इसमें वो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन हैं वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह दी जाए, अगर इसमें रुक कर ठहर कर सोच विचार करके कमिटमेंट वगैरह दिया जाता कि आगे फिर से ऐसी कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ इस रिश्ते में नहीं होगा जो पास्ट में रहा है, तो धीरे धीरे करके रिश्ता फ्रूटफुल कामयाब हो सकता है और बिना इमोशंस में बहे यूनिवर्स जो आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट करते हुए एक बिगनिंग एक शुरुआत करेंगे, तो धीरे धीरे करके वो बिगनिंग वो शुरुआत इस रिश्ते में अबंडेंस ला सकती है, खुशहाली ला सकती है और ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग्स इस रिश्ते को मिल सकती है। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह दें और इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं ताकि रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सके, और जो भी इस रिश्ते में इम्बैलेंस है यानी कि उसमें अपने गुस्से और टेंपर को ख़त्म करते हुए बैलेंस लाने की कोशिश करें ताकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये रिश्ता आगे बढ़ सके और उसमें खुशियां आ सके। तो देखते हैं कैप्रिकॉन आप क्या चाहते हैं, कैप्रिकॉन आप क्या चाहते हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में स्टैंड लिया जाए, आप कैप्रिकॉन आप चाहते हैं कि चाहे रिश्ता किसी की वजह से भी ख़त्म हुआ हो, चाहे कैप्रिकॉन की वजह से हुआ हो या उनके पार्टनर की वजह से हुआ हो, रिश्ता दोनों तरफ से ख़राब हुआ है, तो अगर इसमें स्टैंड लेंगे, क्योंकि दोनों ही हर्टेड हुए हैं, दोनों ही प्रॉब्लम में हैं, शायद अभी भी किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, लेकिन इसमें स्टैंड लेंगे, इस रिश्ते को एक मौका और देंगे, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता फिर से वापस बन सकता है, इस रिश्ते में फिर से खुशियां आ सकती हैं। तो इसलिए वो चाहते हैं कि ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है, इस रिश्ते को मौका देना चाहिए। इसको क्लियरिफाई करते हैं तो हमारे पास कार्ड आए टू ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैप्रिकॉन आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में, हालांकि आप इस रिश्ते में एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि अभी इस रिश्ते में माइंड गेम चल रहे हैं,
रिलेशन चल रही हैं तो वो चाहकर भी इस रिश्ते में अभी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि उनके जो पार्टनर हैं वो ईगोस्टिक इंसान है, वो उनकी भावनाओं के साथ खेल रही है, या फिर कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है जो इस रिश्ते में परेशानी दे रहा है। तो आप कैप्रिकॉन, आप अभी जगल कर रहे हैं, जगलिंग फेज में हैं। आपको एक तरफा लग रहा है कि अगर वो उनके पर्सन इस उनकी भावनाओं के साथ खेलना छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे करके इस रिश्ते में आगे बढ़ा जा सकता है, और दूसरी तरफ आपको लग रहा है कि अभी ये रिश्ता स्टेबल नहीं हो सकता, वो उनको धोखा दे रहे हैं, उनके साथ कोई चीटिंग, कोई फ्रेब, कोई हेरा फेरी, कोई ऐसी ऐसा राज, ऐसी मिस्ट्री है जो वो उनसे बताया नहीं जा रहा है, उनके पीठ पीछे कुछ तो ऐसा हो रहा है जो वो उसके बारे में नहीं जानते हैं। तो उन्हें इस रिश्ते में ना जाकर पहले अपना अपने जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी के ऊपर ध्यान देना चाहिए, अभी इस रिश्ते के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो अभी आप जगलिंग फेज में दिखाई दे रहे हैं, आप तो आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में या फिर जो आप जगलिंग फेज में हैं, या हो सकता है कि आपके पर्सन जगल कर रहे हैं, तो आप चाहते हैं अपने पर्सन से कि वो जगल ना करें, जगलिंग फेज में ना रहे, वो जिग जैग ना करें, वो डिसाइड करें, एक दूसरे से माफ़ी मांगे और एक नए सिरे से वो अपने ईगो को छोड़ देते हैं, यानी कि दूसरे के साथ माइंड गेम खेलना छोड़ देते हैं, तो भले है तो वो इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अगर उनके साथ माइंड गेम खेलेंगे, मैनिपुलेट करेंगे उनको, तो भले ही उनकी ईगो जीत जाएगी लेकिन वो इंसान हार जाएंगे। तो इसलिए आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो उनकी भावनाओं के साथ ना खेलें, वो जगलिंग करना बंद करें, और इस रिश्ते में जो उन्हें एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए जो आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उसके साथ अगर भले ही चाहे इसमें एज डिफरेंस है, नई एनर्जी है, लेकिन एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे करके जो है ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं। और तो वो जो चाहते हैं कि उनकी वो जगल ना करें और उनकी भावनाओं के साथ ना खेलें, अगर वो उनको चीटिंग कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, तो भले ही उन वो उनका अहम जीत जाएगा लेकिन वो इंसान हार जाएंगे। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा। कैप्रिकॉन पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है, चलिए देखते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो इसका जो आउटकम है वो बता रहा है कि इसमें एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत होगी, जो धीरे धीरे करके, बिगनिंग भले ही छोटी हो सकती है लेकिन धीरे धीरे करके घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से हो सकती हैं। और इसको क्लैरिफाई करते हैं तो इसमें कार्ड्स आया क्लियर, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो इसका आउटकम बता रहा है कि अगर आप दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो इसमें एज डिफरेंस हो सकता है, हो सकता है कि कोई एक तरफा डाइवोर्स भी हो, या फिर जो है विडो या विडोवर भी हो सकता है, कुछ ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है, लेकिन या फिर एज डिफरेंस काफ़ी हो सकता है, अनमैरिड मतलब जो नए कपल हैं उसमें भी मतलब एज डिफरेंस भी हो सकता है, कोई छोटा या कोई सा, या तो कैप्रिकॉन छोटा हो सकता है या तो उनके पर्सन जो है एज में छोटे हो सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके एक नए सिरे से वो एक बिगनिंग यंग एनर्जी के साथ मिलकर एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, जो आइडियाज़ दे रहे हैं, एक मौका दे रहे हैं आगे बढ़ने का, लक उनका साथ दे रहा है, भाग्य उनका साथ दे रहा है, तो उसको एक्सेप्ट करते हुए एक दूसरे से क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, खुल कर बातें करेंगे, जो धीरे तो धीरे धीरे जो भी परेशानी, जो भी गिले सिकवे रहे हैं वो ख़त्म होंगे, और वही रिश्ता उनके लिए एक ब्रांड न्यू बिगनिंग बनेगा या बन सकता है। तो इसका आउटकम बता रहा है कि ये रिश्ता घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है, क्योंकि तो इसमें क्लियर कट कम्युनिकेशन होने वाला है और नए सिरे से इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो सकती है। तो इसकी गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की गाइडेंस प्लीज, कैप्रिकॉन पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है। कैप्रिकॉन पर्सन के लिए क्या गाइडेंस हो सकती है।
नाइट ऑफ वॉन्ड्स द लवर्स एंड सेवन ऑफ कप्स और बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है द हाई प्रिस्टेस। तो यूनिवर्स ही आपको गाइड करना चाहते हैं कि अभी आप इस रिश्ते को हील कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, चुप्पी और खामोशी के साथ अपने विजडम नॉलेज गेन करते रहिए, समझदारी के साथ कोई भी एक्शन लीजिए जब तक सही समय सही वक्त नहीं आ जाता। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके पास और ऑप्शन भी हो सकते हैं और अपॉर्चुनिटी भी हो सकती हैं, लेकिन रुक कर ठहर कर सोच विचार करके ही आप आगे बढ़िएगा, क्योंकि इसमें इन एंड आउट की स्थिति रही है, ऑन एंड ऑफ की स्थिति हो सकती है, कोई भी इसमें यानी कि कोई ठहराव, कोई इकरार, कोई इस तरह का स्टेटमेंट दिखाई नहीं देती जो इस रिश्ते को पॉजिटिव बनाने के लिए प्रॉपर हो। तो यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इसमें प्यार, बहुत प्यार है और गहरा प्यार है, लेकिन उसके साथ लस्ट और एडिक्शन भी है। तो इस रिश्ते की गहराई को देखकर, इस रिश्ते में प्यार को देखकर कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन आपको नहीं लेना है। पहले आप रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए और इसमें कमिटमेंट वगैरह दीजिए, अपने आप को एक दूसरे के लिए प्रिपेयर और रेडी दीजिए कीजिए। जब इसमें कमिटमेंट वगैरह होता है, ये इकरार होता है कि वो इस रिश्ते में ठहरने के लिए, आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, तभी इस रिश्ते को आगे बढ़ाइएगा। अदरवाइज इस रिश्ते में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि फिर से वही पोजिशन, वह एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेला जा सकता है, इन एंड आउट की स्थिति हो सकती है, ऑन एंड आउट की स्थिति हो जा सकती है, जो भी एडिक्शन लस्ट है इसमें वो फिर से दोहराई जा सकती है। लेकिन अगर इसमें क्लियरिटी नहीं आ जाती, क्लियर कट को रुक कर ठहर कर सोच विचार करके एक दूसरे से क्लियरिटी नहीं करते, क्लियर कट कम्युनिकेशन नहीं करते, जब तक आपको कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन नहीं लेना है, पहले अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, रेडी कीजिए, तैयार कीजिए, रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, तभी आप आगे के बारे में डिसीजन लीजिएगा कि आपको इस रिश्ते में आना है या नहीं आना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, नमस्ते, थैंक यू सो मच।